आधा दर्जन से ज्यादा गर्भपात किट के साथ एक महिला को धर दबोचा। सीआईए दो शाखा के हत्थे चढ़ी महिला ने नशीली दवाओं के कारोबार का अपना गुना कबूला और बताया कि नशीली दवाइयों और गर्भपात किट का गोरख धंधा वो बीते 4 से 5 महीनों से कर रही है, जिसमें उसका पति भी उसका साथ देता रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस ने महिला के तार यूपी के रैकेट से जुड़े बताए। बहरहाल पुलिस अब इस मामले की छानबीन में जुट गई है कि इस महिला के तार और कहाँ कहाँ जुड़े हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर से भारी मात्रा में नशीली दवाओं की खेप और गर्भपात की किट लाकर अलग अलग जगहों तक पहुंचाने का काम करने वाली एक महिला आज रंगे हाथ अंबाला पुलिस के हत्थे चढ़ गई। मुजफ्फरनगर से प्रतिबंधित दवाओं की खेप लेकर अंबाला छावनी पहुंची महिला की गुप्त सूचना मिलने के बाद सीआईए दो टीम द्वारा तलाशी ली गई तो उसके पास से भारी मात्रा में नशीली दवाइयां कैप्सूल एमटीपी किट्स बरामद हुई, जिसकी सूचना सीआईए द्वारा तुरंत स्वास्थ्य विभाग को दे दी गई। A2 की अध्यक्षता में टीम इकट्ठी करके कैंट सिविल हॉस्पिटल पे लेडीज़ को गिरफ्तार किया, जिसके बैग को चेक करने पर SI राम सूज ने नशीली दवाइयाँ सहित काबू किया और ड्रग्स निरीक्षक को मौके पर बुलाया, फ़ोन किया। जी भारी मात्रा में जो नशीली दवाइयाँ प्राप्त हुई हैं, इनमें डिवोर्स किट भी है जो ऑपरेशन के काम आती है, जिस पे हरियाणा सरकार ने पूर्ण पाबंदी लगाई हुई है, और भविष्य में भी अगर कोई नशीली दवाइयाँ बेचेगा तो पुलिस कार्रवाई करेगी। ये कैंट बीडी फ्लोर मिल के पीछे रहती है लेडीज़। हाँ, इससे पूछताछ में अभी पता लगा, अभी ये सहारनपुर से इस रॉकेट को चला रही है, वहाँ से बैग मिल लेके आते थे और उसको ग्राहकों को बेचते थे यहाँ पे। मौके पर पहुंचे ड्रग इंस्पेक्टर का कहना है कि पकड़ी गई महिला के कब्जे से सीआईए दो ने लोमोडिल नामक दवाई के 37 पत्ते, 2220 टैबलेट्स अल्फा सोफ, 960 नशीली टैबलेट्स, 120 पत्ते प्रोक्सीबोन, 2880 नशीले कैप्सूल, 10 एमटीपी किट, 50 टैबलेट्स बरामद की है। वहीं उन्होंने बताया कि इन दवाइयों से संबंधित कोई भी दस्तावेज महिला के पास नहीं है। ये नए दस्तावेज इसके पास मिला है और भारी मात्रा में जो दवाइयाँ मिली हैं वो डिवा बोर्ड किट 10 किट हैं, जो कि प्रेगनेंसी अबोर्ट करने में यूज होती हैं। बहुत ही गंभीर मामला है। इसके अलावा दो प्रकार की जो दवाइयाँ हैं वो नारकोटिक्स ड्रग्स के अंदर आती हैं, जो लोमोटिल और एल्प्राजुलाम। इसके हम दोनों ही एक्ट के तहत कार्रवाई कर रहे हैं, नारकोटिक्स ड्रग्स के तहत भी और ड्रग एक्ट के तहत भी, हम दोनों ही एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे। 2-3-4 महीने से हो रहा है ये काम। फोन आता तो हम दे देते हैं, अदरवाइज मेरे हस्बैंड को ही पता है इसके बारे में, और मैं अम्बाला की रहने वाली हूँ। वो आते हैं जी, सप्लायर आता देने, वो यूपी के रहने वाले हैं, मुजफ्फरनगर। नहीं, उनको ही फ़ोन आ गया, आगे से आता है और वो तभी मंगवाते हैं।